स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th चैप्टर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले मैंने पूरा चैप्टर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो आपको मेरे जो है पुराने लेक्चर जो है, पुरानी वीडियोस जो है इससे पहले की, वो सारे पार्ट्स में देखनी पड़ेगी, तभी आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और इसके जो पार्ट्स हैं उनके मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लेना। और उसके थ्रू जिसका ये वो लेक्चर मिस हो गया है तो आप दोबारा से उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। इट्स ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 10th में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अभी से अगर आप पढ़ोगे और समझोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से इजी रहेगा आगे क्लास के लिए। तो आगे देखते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू, आपने कॉपर सल्फेट और आयरन की एक्टिविटी देखी होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम करते हैं आगे। परफॉर्म इन ए क्लास 7, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। ये आपने क्लास 7 में कर चुके हो और ऑब्जर्वेशन ले चुके हो। ठीक है, तो अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 4.8। इसमें क्या दिया हुआ है, टेक 500 ml बीकर्स, 500 ml का आपने क्या लेना है, बीकर लेना है, एंड लेबल ABCDE, और सभी को लेबल कर देना है, जैसे ABCDE। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, सभी बीकर में कितना 50 ml वाटर डाल देना है, और डिजॉल्व इन ईच बीकर 8 टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर 4.6। जो फिगर 4.6 में आपको सब्सटेंस इंडिकेट किए हुए थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम, बीकर को कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन योर नोटबुक, उसके बाद अपनी नोटबुक पर इसकी ऑब्जर्वेशन को नोट करो। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट बीकर में जो था हमारे पास वाटर के अंदर, हमने क्या मिला दिया था, जिंक, और क्या मिला दिया था, जिंक सल्फेट मिलाया था। ठीक है, सेकंड में हमने क्या मिलाया था, आयरन सल्फेट। फिर इसी तरीके से हमने आगे सब में मिलाया, तो आगे देखते हैं इसमें रिएक्शंस क्या हुई थी। तो यहाँ से फर्स्ट बीकर ए में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया था, साथ में क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था। ठीक है, सेकंड में हमने क्या मिलाया था, कॉपर सल्फेट, साथ में क्या मिलाया, आयरन नेल। ठीक है, इसमें क्या मिलाया था हमने, कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस जिंक। दूसरे में हमने क्या मिलाया था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, सी में क्या मिलाया था, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, डी में हमने क्या मिलाया था, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 और कॉपर यानी कि Cu, और ई लास्ट में हमने क्या मिलाया था, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस आयरन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन जो होती है इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुई, तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉपर सल्फेट है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जो CuSO4 है इसने क्या करना है, Cu अलग हो जाता है और Zn जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे CuSO4 है, यहाँ पर CuSO4 है, लेकिन ये क्या बच जाएगा, ZnSO4, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मीन्स कॉपर को इसने अलग कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, तो इसमें क्या होगा, सेम Fe जो है वो क्या बन जाएगा, SO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों ही मेटल है, कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है,
लेकिन इसमें जो मोर रिएक्टिव होता है, मतलब जो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, वो दूसरे वाले के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, और जो कम रिएक्टिव होता है उसको क्या करता है, वो अलग कर लेता है। ठीक है, इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है ऊपर से नीचे तक। ये मैं आपको कोई नेक्स्ट, मतलब इसमें हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, ये 10th में आता है, लेकिन मैं आपको अलग से एक इसकी वीडियो बना के बाद में आपको समझा दूंगी। अभी इसमें हमें इतना काम नहीं है, इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि क्यों कॉपर अलग हो जाता है और जिंक के साथ सल्फेट जुड़ गया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। आगे देखते हैं, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। आपने सारे बीकर में क्या चेंजेस देखा, अभी वैसे मैंने आपको बता दिया, पर फिर से हम पढ़ लेते हैं। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या देखा, एक मेटल ने दूसरे मेटल को उस एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर दिया, अलग कर दिया। एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कोई भी मटेरियल को, कोई भी पाउडर को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, बीकर ए जिंक यानी कि जेडन रिप्लेस कॉपर सीयू फॉर्म द कॉपर सल्फेट। अभी बताया था मैंने, जो CuSO4 था उसमें हमने जिंक मिलाया था, तो जिंक सल्फेट के साथ मिल जाता है और सीयू क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दैट इज वे द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपीयर एंड ए पाउडर्ड रेड मास ऑफ द कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंट एज द फॉलो। तो ये क्या होता है कि जब हम ब्लू कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, ऑलवेज जो कॉपर सल्फेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, उसको हमने जो है, जो इसके साथ रिएक्शन की, जिंक के साथ रिएक्शन की, तो क्या हो जाता है, जो कॉपर है ब्राउन कलर का पाउडर है वो क्या हो जाता है, नीचे रह जाता है, और जो सल्फेट होता है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने इसकी रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखनी है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ये फॉर्मूले तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जिंक यानी कि जेडन, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। ठीक है, अब जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, जो कि क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका फॉर्मूला ZnSO4। उसके बाद किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को, इसका फॉर्मूला क्या है, Cu। ठीक है, आगे देखते हैं, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। क्या आप बी के रिएक्शन अपने आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे ए की रिएक्शन आपने समझी है, इसी तरीके से बी के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हो, आप लिखो, कोशिश करो, बिल्कुल लिख पाओगे। अब पहेली यहाँ पे कुछ बोल रही है, हम देखते हैं पहेली क्या बोल रही है। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज वाई देर इज नो चेंज इन बीकर सी डी ई। अब हमने ऊपर देखा था, पहली ये बोल रही है, देखो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं, पहली ये बोल रही है कि यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें आगे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो आगे बीकर सी डी ई है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहली बोल रही है ऐसा क्यों हुआ कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जिंक बाय द कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन बीकर ई, सिमिलर आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन द बीकर डी। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे ऑब्जेक्ट, जो दूसरा एलिमेंट है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। डिस्प्लेस्ड कब होगा, जब दूसरा एलिमेंट उससे क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो उसके जो हेल्पर है साथ में, जो उसके कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन कर पाएगा। लेकिन जब उससे वो रिएक्शन में कमज़ोर है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन द बीकर सी, इस कारण से हम सी में कोई चेंजेस नहीं देख पाते, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट। इसी कारण से कॉपर जो है जिंक सल्फेट में से जिंक को अलग नहीं कर पाता है। बट वाई, वेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए एंड वाई कैन नॉट रिप्लेस इन जिंक बीकर सी।
अब ये बोलो कि ए में क्यों उसने अलग कर दिया था कॉपर को और सी में क्यों नहीं अलग कर पाया। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्बिट्री इज फॉलो डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड ए रूल हेयर इज द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड आयरन। क्योंकि आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा कि जो जिंक है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। मैं आपको शुरू से यही समझाती आ रही हूँ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट। लेकिन अगर कम रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। यू कैन गेस द सीक्वेंस ऑफ द मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। आप इसी तरीके से बता सकते हैं कि जो बीकर डी ई है उसमें भी क्यों नहीं चेंज हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अपने आप बता सकते हो आप, क्योंकि उसमें जो मेटल है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है और द लेस रिएक्टिव इसलिए उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम 4.3 में हमारा क्या है, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमारी डेली लाइफ में जो मेटल और नॉन मेटल के यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में हम मेटल और नॉन मेटल को किस रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू शुड बी एबल द गेस व्हाई मेटल आर यूज इन द मेकिंग मशीनरी ऑटोमोबाइल एरोप्लेन ट्रेन सैटेलाइट इंडस्ट्रियल गैजेट कुकिंग यूटेंसिल्स वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। ये आपने देखा होगा, देखना आपकी यहाँ करना चाहिए मेटल का इस सब जगह यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे मशीनरी में यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में होती है, ट्रेन में होती है, सैटेलाइट्स बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने में, खाना बनाने वाले बर्तन में, पानी उबालने वाले बर्तन में। यू आर आल्सो फैमिलियर विद दिस यूज ऑफ द सम नॉन मेटल्स। इसी तरीके से आप नॉन मेटल भी यूज़ करते हो, वो भी आपका फैमिलियर है, या आप भी जो डेली लाइफ में जो काम करते हो उसमें आपका नॉन मेटल भी यूज़ हो रही है। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वन, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, आप इससे श्योर हो जाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं इसमें नॉन मेटल की। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए नॉन मेटल बहुत जरूरी है। विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो इसको लेते हैं। अब ये कौन क्या हो गया, हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। जितनी भी गैसेस है वो क्या है, नॉन मेटल। और हमें जीना है तो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। और इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी नॉन मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए भी नॉन मेटल बहुत ज़रूरी है। जैसे नाइट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल प्लांट्स के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। नॉन मेटल यूज़ इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। जो पोटाशियम होता है उसका यूज़, या क्लोरीन होता है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इनके द्वारा वाटर प्योरीफाई भी किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पानी में रहने वाले बैक्टीरिया वगैरह है उनको क्या कर दिया जाता है, किल किया जाता है, और वो क्या हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंडेड एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल जो होता है पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि जो घाव वगैरह हो जाता है कभी, तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक का काम करता है। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, जो पटाखे वगैरह बनते हैं, क्रैकर्स आप लोग यूज़ करते हो, दिवाली पर फोड़ते हो पटाखे, ठीक है, तो उसमें भी किसका यूज़ होता है, नॉन मेटल का यूज़ होता है।
You may added some more use of the metal and non-metal from your experience. आप इसमें और भी ज़्यादा uses add कर सकते हो अपने experience के according metal और non-metal के. I hope आप लोगों को ये chapter समझ में आ गया होगा. तो please मेरी video को like, subscribe and share. अगर आप मेरे channel पे new हैं तो subscribe ज़रूर करना. Okay. स्टूडेंट्स, आपको जो पहले के लेक्चर है मेरे उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप उसके द्वारा आप पिछले चैप्टर का पिछला पार्ट सारा समझ लेना, तभी आपको समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.